तो हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी फोर दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास बुलबुल शॉप की तरफ से फिर से कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स और प्रोडक्ट्स आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हें देखने वाले हैं बारी बारी से। तो बिना किसी तरीके से सीधा प्रोडक्ट्स और गैजेट्स को ही देखते हैं कि भाई क्या क्या है। तो भाई ये है हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि एकदम अद्भुत अविश्वसनीय है। इसको लगाने के बाद आप लोग ऋतिक रोशन इंटू 100 हो जाएंगे, मतलब ऋतिक रोशन को भी फेल कर देंगे। तो भाई मजाक से हट के सीधा प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये एक अलग टाइप का ही सनग्लास है, आप लोग देख लो। ये देखने में इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें लगे हुए हैं 2 स्पीकर जिनसे आप सुन सकते हैं गाना, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने कान के साइज़ के हिसाब से कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ स्विचेस भी दिए गए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सनग्लासेस है ना। तो अगर आप इन्हें बाहर सड़क में पहन के निकल जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ घर में मस्ती करने के लिए जरूर काम में आ सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सनग्लासेस होते तो आप लोग किस टाइप की मस्ती करते कमेंट में बताना। वैसे दोस्तों के बीच तो एक अलग ही चीज़ होती। तो मैं सनग्लासेस को लगाऊं, पता नहीं कैसा लगूंगा, लगा के देख लेता हूं। ओह वाह भाई, इन्हें लगाने के बाद मैं हीरो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बीबी के वजह से कोई कैरेक्टर या फिर अमित बनाना जैसा ज़्यादा लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बताना। वैसे इसे मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, इसमें सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। वाह भाई, चाहे जो हो, जो मैंने साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी उससे बेटर ही लग रही है मुझे। मैं आपको अपने माइक से सुना के दिखाता हूँ। ये माइक अभी आ गया माइक। वैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी ठीक है। तो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है भाई वो है ये कार। क्या कार? वैसे आपको क्या लग रहा है, जल्दी से गेस करो, अनुमान लगाओ कि क्या चीज़ है ये। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, कुछ आइडिया लगा? यहाँ पे स्पीकर भी है, अब कुछ आइडिया लगा? यहाँ पे कैमरा भी है, तो अब कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये है एक फरारी फोन। जी हाँ, ये एक मोबाइल फ़ोन है। कितना वियर्ड है ना, और कितना इंटरेस्टिंग है ना। मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे बॉक्स में आता है। अगर मैं आपको पहले बॉक्स दिखा देता तो आप लोग गेस कर ले जाते, लेकिन ये एक मोबाइल फ़ोन है, एक फीचर फ़ोन है। यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, डुअल सिम के साथ आता है, बाकी के फीचर्स जो नॉर्मल फ़ोन में होते थे पहले वही फीचर्स हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ। ये और ऑन हो गया। ओहो, डिस्को चल रहा है यहाँ पे। तो ये फ़ोन हो गया हमारा ऑन, बाकी के फीचर्स तो सब वही होते हैं जो फ़ोन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, यहाँ पे टाइमिंग देखो किस तरीके से शो करता है ये फ़ोन। ये देखो, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस फ़ोन में। और अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं तो ऐसी आवाज़ करता है। तो सोचिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे ही मैं मेन्यू पे गया, ये फरारी जैसी आवाज़ किया, तो चिल पे कि भाई इसके कैमरे के क्या जलवे हैं। अब होगा असली कैमरा टेस्ट, फरारी फोन वर्सेस आईफोन 12 प्रो मैक्स। और यहाँ पे फरारी फ़ोन ने ऐसी फ़ोटो खींची कि यहाँ पे इसको मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ गई। तो इसके कैमरे के बारे में ना ज़्यादा बात करी जाए, यही बेहतर है। दोस्तों आप लोग इस फ़ोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना। वैसे बस ये नॉर्मल सा फीचर फ़ोन है, क्योंकि देखने में एकदम फरारी जैसा लगता है। हाँ इसका लुक बहुत अच्छा है, बाकी का ये है बस एक नॉर्मल डुअल सिम फीचर फ़ोन। तो ये इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, मैं इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट है भाई वो है ये इंटरेस्टिंग चार्जिंग केबल, जिसके एक तरफ तो नॉर्मल सा USB पोर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो कटा हुआ है। कटा हुआ नहीं है, ये कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग केबल है, मैग्नेटिक केबल। मैं आपको दिखाता हूँ, इनके जो चार्जिंग वाले कनेक्टर्स हैं वो केबल से अलग ही आते हैं। जी हाँ, इस तरीके से इसको आप लोग अपने मोबाइल में पहले से ही लगा के रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और जब भी मोबाइल को चार्ज करना हो केबल को इसके पास लाइए और ये चिपक जाएंगे और आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलो अपनी इस चार्जिंग केबल को यूज़ करके देखते हैं। इसे मैंने सॉकेट में लगा दिया है, और जरा आप इसे देखो। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसी चार्जिंग केबल आती है तो मैं दिवाली के दिन पूरे घर में ये चार्जिंग केबल ही लगा देता। मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ। तो ये देखो किस तरीके से चार्जिंग केबल जल रही है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे फ़ोन चार्जिंग के लिए तैयार हैं, एक के बाद एक लाइन से।
तो ऐसा यहाँ पर लगा कि चार्जर से एनर्जी आ रही है और ये हमारे फ़ोन में कुछ तरीके से चली जाएगी, और यहाँ पे हमारा फ़ोन चार्ज भी होने लगा। ये काफ़ी मस्त लग रहा है। तो ये था माइक्रो यूएसबी, और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है चार्जिंग का। अब इसे लगाते हैं आईफोन में। ओहो, यहाँ पे हमारा आईफोन भी चार्ज होने लगा। तो अब इसे लगाते हैं टाइप सी वाले में। तो टाइप सी भी, ओफो, यहाँ पे टाइप सी भी वर्क कर गई और हमारा ये फ़ोन भी चार्ज होने लगा। मस्त है। तो भाई मुझे तो चार्जिंग केबल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और दोस्तों अगला प्रोडक्ट है ये स्टैंड फॉर मोबाइल चार्जिंग विद यूनिवर्सल प्लग। मुझे तो ये प्रोडक्ट भाई ट्रैवलिंग के दौरान और घर पे भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है, जहाँ कभी पे जब हमें मोबाइल चार्ज करना हो और मोबाइल रखने की जगह ना हो, तो ये जुगाड़ वाला एक प्रोडक्ट है। तो चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा है ये जुगाड़। यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया है एक मोबाइल को रखने के लिए। तो इसे लगाएंगे सॉकेट पे और इसमें लगाएंगे अपना चार्जर और मोबाइल को रखेंगे यहाँ पे, और प्लस हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा। तो आपको ये जुगाड़ वाला प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। वैसे मुझे लगता है ये ट्रेन में काफ़ी काम आ सकता है, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट तो होता है कि मोबाइल रखने की जगह नहीं होती है, बाकी का घर पे भी काफ़ी काम आ सकता है। दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इस सकते साइड में। तो आप लोग कमेंट में बताना जो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे वियर्ड और इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने सभी के लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ पर जाकर ले सकते हैं बुलबुल शॉप से। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बटन जरूर से दबा देना। बाय बाय।